ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईंदार चैनल पे। मैं साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अपने बाबा को शुक्रिया कहती हूँ कि हमारा इतना अच्छा परिवार देने के लिए, और आप सभी का शुक्रिया करती हूँ हमारे परिवार को और बढ़ाने के लिए। और मैं बाबा से यही कहूँगी, बाबा ये परिवार इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिन ब दिन बहुत आगे तक जाए, बहुत बढ़े, क्योंकि जितना परिवार बढ़ेगा उतने लोगों में हम बाबा की भक्ति डाल पाएंगे। अगर वो कम भी होगी उनमें वो श्रद्धा हम लोग जगा पाएंगे, और श्रद्धा जगाने का मतलब है बाबा के करीब लाना। और जब हम बाबा के करीब जाएंगे तो हमारे लाइफ के जितने भी दुख होते हैं वो अपने आप कटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें परिवार बढ़ाना है। और दूसरी चीज़, गुरु पूर्णिमा की आपको सबको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 24 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा, और उस दिन हम लोग होंगे शिरडी में बाबा की नगरी में और बाबा के पास, और बहुत खुशी का है। और उस दिन शिरडी में हम लोग बैठकर बाबा के पास महापारायण करेंगे। आप सबको शायद महापारायण करना होगा, मुझे तो करना है, तो महापारायण करेंगे, साईं कष्ट निवारण पढ़ेंगे बाबा के द्वारिका माई के सामने, जैसे पिछली बार हमने किया था वही चीज़ करेंगे। बाबा के साथ रहेंगे उतने दिन, जितना भी पल हमें बाबा के साथ मिलता है खुशी से झूम कर मनाएंगे। तो आप लोग भी भले अपने घर में हो, लेकिन ऐसा एहसास मैं आपको ज़रूर दिलाने की कोशिश करूँगी कि आप भी मेरे साथ शिरडी में ही हो, अपने बाबा के साथ हो। और जिनके पास जो शिरडी नहीं जा सकते हैं वो निराश मत होना, बाबा आपके पास खुद शिरडी आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो गुरु पूर्णिमा की पूजा है कैसे करनी है, किस तरह से करनी है और क्या क्या उसमें करना है, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से लेकर के एंड तक समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे जो शब्द होंगे ना उन पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके समझाऊँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए और बाबा भाग भाग कर आपके घर आ जाए, क्योंकि हर भक्त की यही इच्छा है कि बाबा जल्द से, ऐसा मैं क्या करूं गुरु पूर्णिमा पर कि बाबा खुश हो जाएं और मेरे पास भागते हुए चले आएं, हर भक्त यही चाहता है। तो सबसे पहली बात, 24 जुलाई 2021 को है गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको 23 जुलाई को एक तोरण बनाना है, फूल और आम के पत्तों का तोरण, ठीक है। वो मैंने पहले भी चैनल पे डाला हुआ है, रामनवमी को भी बनाया था मैंने, और कल, ठीक है, कल है 23 जुलाई, है ना, हाँ सॉरी कल है 21, 22 है परसों, तो 22 तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। और मैं जब पूजा करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है 22 को, और मैं आपके साथ एक लाइव भी शेयर करके जाऊंगी जिसमें मैं जैसे जैसे पूजा करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, और एक ये वीडियो आ जाएगा जिसके ज़रिए आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना है तोरण। तोरण आपको, कई लोगों का क्वेश्चन है कि हमें अपने जो घर के अंदर दरवाज़ा है उस पर लगाना है कि मुख्य द्वार पे लगाना है, तो आप लोगों को सबसे जहाँ से आप एंटर करते हो अपने घर में, ठीक है, मुख्य द्वार जिसको कहते हैं, वहाँ आपने तोरण लगाना है, ठीक है। तोरण लगाना है आम के पत्तों के साथ और फूलों के साथ, ठीक है, फूल और आम के पत्तों का आपने बनाना है तोरण। तोरण लाइक जो लगाते हैं ना दरवाजे पर, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जिनको नहीं समझ में आएगा लाइव देखिएगा, क्योंकि तोरण बनना हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमें जाना है शिरडी, तो हम बाबा को बिल्कुल रेडी करके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आपको बनाना है तोरण, ठीक है, दरवाजे पर लगाना है, मुख्य द्वार पर, सबसे जहाँ से आप अपने घर में एंटर करते हो, ठीक है, उस पर आपने तोरण लगा दिया। अब आगे ये तोरण आपका गुरु पूर्णिमा की सुबह सुबह जब काकड़ आरती होती है तब लगा दीजिए, ठीक है। जो लोग कहीं जा रहे हैं उनकी मजबूरी है तो वो एक दिन पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन जो नहीं जा रहे हैं, जो अपने घर पर ही हैं, वो आप लोग काकड़ आरती होने से पहले 4 बजे ऑब्वियसली उठते हैं बाबा के भक्त, तो वो लगा देंगे, ठीक है ना, गुरु पूर्णिमा को आप तो उठोगे ना, तो वो अपने दरवाजे पर मुख्य द्वार पर लगा देना, क्योंकि कब बाबा आ जाएं कोई नहीं जानता, किस रूप में आ जाएं कोई नहीं जानता। इस भूल में मत रहना कि बाबा किसी इंसान के रूप में ही आएंगे, बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो चिड़िया हो, कोई भी जानवर हो, बाबा किसी रूप में भी आ सकते, ठीक है। तो आप लोग किसी को उस दिन अपने दरवाजे पर ना अपशब्द कहना, ना कटु वचन कहना, ना उसको भगाना, ना मारना। अगर आपके पास क्षमता है तो अपनी क्षमता भर का उसको ज़रूर खिलाना या ज़रूर देना, नहीं है तो उसको प्रेम से मना कर देना, गुस्से से नहीं, प्यार से, ठीक है। और अगर तो आपका दुश्मन भी उस दरवाजे पर आता है ना, क्योंकि बाबा को कुछ पता नहीं है किस रूप में आ जाए,
दुश्मन भी आपके घर आ सकता है। वो ये देखने बाबा आएंगे कि आप उनके रास्ते पर चल रहे हो, आप उनके रास्ते को कितना अपना रहे हो। आप उस दूसरे आपकी दुश्मनी भले उसने कुछ भी किया हो आपके साथ, लेकिन आपका उस दिन प्यार करना बनता है, ठीक है। उसको खिलाना बनता है कि भाई तुम आए हो हमारे दरवाजे पर तो हम तुम्हें खाली जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब ये हो गई खाने खिलाने वाली बात। और हो सके तो गुरु पूर्णिमा के दिन किसी एक को खाना ज़रूर खिलाएं अगर वो आपके घर आ जाए। और जब आप खाना बनाना ना तो बाबा को एक बार वो क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं ना, हाँ, बाबा को इनवाइट करना कि देवा आज मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, तो आज आप मेरे घर पर ज़रूर आना, चाहे किसी भी रूप में आना, और ऐसे आना कि मैं आपको पहचान सकूं, ठीक है। और बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा, साईनाथ ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं कि अरे यार मैंने तो इतना इतना बना लिया बाबा तो आए नहीं, क्योंकि वो आपकी भूल होगी, बाबा आकर चले भी जाएंगे और आपकी श्रद्धा वहीं पर। इसलिए बहुत सोच समझ कर किसी को नहीं भगाना है अपने दरवाजे से, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है ना बाबा के लिए, जितना कर सकते हो उस दिन करना। ये भी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप एक्स्ट्रा कर दो, कर्जा लेकर कर दो, उधार लेकर कर दो, ये गलती मत करना। जितना आपके पास क्षमता है, जितनी आपकी जेब से जो खर्च हो रहा है ना, उसमें सब कुछ कर देना। और ये सोचकर तो करना भी मत कि मुझे बाबा इसके बदले में क्या देंगे, ठीक है। क्योंकि बाबा का देना हम माप नहीं सकते, बाबा हमें अथाह देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती ना, बाबा हमें उतना देते हैं। लेकिन आस लगाकर नहीं, स्वार्थी बनकर हम कोई काम नहीं करेंगे, हम अपनी श्रद्धा से करेंगे कि हमारे पास जितना तुमने दिया है उतना हम आपके लिए कर देंगे, ठीक है। कहते हम जो देते हैं वही हमारे पास वापस आता है, तो हम अपनी श्रद्धा से करेंगे, बाकी बाबा की मर्जी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पूजा कैसे करनी, अब पूजा पर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको कितनी चीज़ें समझाई, तोरण लगानी है, दरवाजे पर आता है उसको भगाना नहीं है, बाबा किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता, अच्छा अच्छा भोजन लगाकर बाबा को भोग लगाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब पूजा कैसे करनी है, पूजा मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ, सबसे बड़ी पूजा आपने किसी को खिला दिया ना, वो पूजा आपकी स्वीकार हो गई। लेकिन फिर भी आपने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर दो, ठीक है, बढ़िया से सजा दो, जैसे आपको लगता है कि हाँ मुझे बाबा के लिए, मतलब जैसे कोई दुल्हन आती है ना घर पे, तो कितने सारे डेकोरेशन करते हो कि ये करना है, वो करना है, ये, उस तरीके से करिए, ठीक है। उस तरीके से आपको बिल्कुल सजा देना है, वो सजा दो घर को, गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, तो बिल्कुल आपने अच्छे से जितनी आपकी क्षमता है अच्छे से डेकोरेट कर दो। डेकोरेट समझ रहे हो ना, सजाना है अच्छे से, कि कुछ लोग ऐसे भी जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैं उसको क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको अच्छे से अपना मंदिर सजा देना है, फूलों से, बैलून से, जिससे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैं वैसे आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डेकोरेशन की है, जो मैं कर पाऊंगी बाबा के लिए, तो वो बिल्कुल अच्छे सजा देना है। नए नए वस्त्र बाबा को पहनाने हैं, जो अगर आप नए नहीं ला सकते हो तो अगर आप अपने हाथ से बाबा के लिए बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग हाथ से बनाकर बाबा को पहनाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप, कई बार होता ना हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती, वो बाबा भी जानते, तो आप वही जो कपड़े आपके पास बाबा के हैं उन्हीं को धो करके अच्छे से पहनाइए, बस मन साफ रखिएगा, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, जिनके पास मुसीबत होती। कई बार हम लोग ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो वो भी बाबा सब समझते हैं, ठीक है। आप वही वो साईं सचेत में आपने पढ़ा होगा कि तो उनके पास आधा ही लड्डू था, वो भी बाबा का भोग लगा हुआ था, तो वही उन्होंने शिरडी भेज दिया था, बाबा ने उसी को बहुत रुचि से खाया था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वही कपड़े धो करके बाबा के उनको पहना दीजिएगा, वो खुश हो जाएंगे। और अगर है क्षमता तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े लाइए अपने बाबा के लिए, उनको पहनाइए, सजाइए उनको, हार माला जो भी फूल करते हैं वो तो हम रोज़ करते हैं ना, हर गुरुवार भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो गया। अब आपको बाबा को एक नारियल चढ़ा देना, ठीक है, नारियल हर पूजा में लगता है, तो नारियल भी चढ़ा देना बाबा को, अच्छी से अच्छी मिठाई बाबा के लिए रख देना मंदिर में, बाबा उसको ज़रूर खाएंगे, ठीक है। जल आप रखते हो बाबा के लिए, और कुछ करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने नारियल रख दिया, पूजा का सामान रख दिया, बाबा का चंदन तिलक कर देना, चंदन ही लगता है बाबा को, चंदन तिलक कर दिया, हार बाबा को जो भी आप जैसे भी कर सकते हो ना वो चढ़ा दिया, और बाबा का जो भी स्वरूप है, हर स्वरूप जितने भी आपके घर में स्वरूप हैं बाबा के, किसी को भूलना नहीं, जितने भी स्वरूप रखे हैं आपने, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी हैं,
सबको उस दिन आपने तिलक करना है, सबकी आरती करनी है, सबको मतलब मंदिर में बैठा करके बाबा को, जिनको बैठा रखा है या फिर जिन आपके घर के बाहर भी जो लोग लगा लेते हैं ना, कई बार कहीं हम लोग कहीं कहीं लगा लेते हैं, तो उनको भी आपने सजा धजा के रखना है बिल्कुल, ठीक है। हर स्वरूप में बाबा बसते हैं, तो आपने सब बिल्कुल कुछ भूल नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम तसल्ली से काम करना है, सबूरी के साथ, ठीक है। चंदन, तिलक, आरती सब बिल्कुल विधि विधान से करना है, ठीक है। और कष्ट निवारण पढ़ो, साईं सच्चरित्र का पाठ करो, 11 वचन बाबा के पढ़ो, और जो इच्छा आपकी करती है। दीपक, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं 9 दीपक लगाने हैं कि 11 दीपक लगाने हैं, आपकी इच्छा करती है आप 9 दीपक लगाइए, आपकी इच्छा करती है आप 11 दीपक लगाइए, किसी चीज़ में बुराई नहीं है, सब बाबा के काम है, ठीक है। 9 दीपक भी आप लगा सकते हो, 11 दीपक, 11 लगाना है तो बाबा के वचनों को पढ़ते हुए लगाना है, इस चीज़ का याद रखना, 9 दीपक बाबा के सामने रोशनी करो, ऐसे करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 11 दीपक आपने लगाने हैं वो आपने एक एक वचन को पढ़ते हुए पूरे 11 दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है। हर एक दीपक को पढ़ोगे तो जब आप 11 दीपक लगाओगे तो आपके 11 वचन कंप्लीट हो जाएंगे, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी। आप करके देखो, मेरी नहीं मानो, करके देखो, ठीक है, उसको करके फिर आपको पता लगेगा कि यस, ठीक है। और 9 दीपक भी आप लगा सकते हो, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा जैसी हो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं है। और अब आगे चलते हैं, बाबा की पूजा हो गई, अगर आप पूजा में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, जितना मैंने किया है उतना। और हाँ, बाबा को स्नान कराना है आपने, तो अगर तो जल से कराते हो, वही वाली बात है ना, अगर आपकी क्षमता है तो आप 5 चीज़ों से बाबा को स्नान कराइए, जैसे हम कराते हैं दूध से, दही से, शहद से, और गंगा जल से, और नॉर्मल जल जो हो गया, इन सब चीज़ों से हम बाबा को स्नान कराते हैं। मैं भी ऐसे करवाऊँगी, ठीक है, मैं भी इन सब चीज़ों से मैं करवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला करके अलग अलग करके बाबा को स्नान करा देना है, स्नान करा के वस्त्र पहना देने हैं, फिर जैसे मैंने बताया कि बाबा की पूजा, चंदन वगैरह तिलक कर देना है, आपने अच्छे से सजा करके मंदिर को खूब अच्छा सजा करके आपने, और अपने घर में मंत्र लगा कर रखिए बाबा का, ओम श्री साईनाथाय नमः, उसको घर पर लगा कर रखिए, उससे क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ जब भी आप फ्री हैं उसके साथ साथ आप भी रिपीट करते जाइए, तो उससे आपकी एनर्जी जो होती है बाबा के प्रति जो होती है बढ़ती रहती है, ठीक है। जो भी भजन आपको अच्छा लगता है बाबा के लिए वो लगा कर रखिए अपने घर पे, ठीक है। सारा दिन बाबा में हो जाइए, सारा दिन साईं में हो जाइए। और दूसरी चीज़, मैं शिरडी में रहूँगी तो लाइव देखते रहना, ओके, बाबा का, तो उससे भी आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी पूजा, सब विधि विधान हो गया, मिठाई जो है वो आपको ला कर रखनी है, सब कुछ अरेंजमेंट आपने करके रखनी है, ठीक है। ऐसे घर पे कोई अतिथि आने वाला हो, और मैं वादा करती हूँ कि आप जितनी श्रद्धा से अपनी बाबा की बुलाएंगे, पूजा करेंगे, बाबा ना आए ना ऐसा हो नहीं सकता, बाबा ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे बाबा। आप विधि विधान से और जैसे भी है पूजा करिएगा, बाबा डेफिनेटली आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा नहीं आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपने बस, अब हो गया सारा कुछ, ठीक है, पूजा हो गई, तिलक हो गया, बाबा ने वस्त्र पहन लिया, बाबा ने मिठाई खा ली, बाबा के पास जल रखा है आपने, और बाबा के पास बैठिए और पढ़िए साईं सच्चरित्र, सबसे ज़्यादा तो उसमें मन लग जाता है। साईं सच्चरित्र महापारायण उस दिन आपको करना होगा, वो कीजिए, जिन्होंने महापारायण नहीं करना है वो एक चैप्टर साईं सच्चरित्र का ज़रूर पढ़िए, ठीक है। साईं सच्चरित्र पढ़ो, कष्ट निवारण पढ़ो, साईं बावनी पढ़ो, और जो भी बाबा से रिलेटेड बुक्स होती हैं उनको पढ़िए, और धूमधाम से बाबा की आरती कीजिए। जिनको आरती का नहीं पता है आप यूट्यूब पे आरती सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे चैनल्स पे बाबा की आरती भी डली हुई है, तो वो कीजिए आरती, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ बताना भूल जाती हूँ तो आप, मैं कल लाइव आऊँगी, आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन रह जाएगा आप मुझसे वहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 22 को मैं चली जाऊँगी बाबा के शिरडी के लिए, निकल लूँगी घर से, उस वक्त शायद मैं ट्रेन में लाइव नहीं आ पाऊँ। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके रखिएगा, बाबा को निमंत्रण दे दीजिएगा कि बाबा आपको गुरु पूर्णिमा को मेरे घर आना है तो आना है, ठीक है। ऐसे आप पूजा कीजिए, कोई तामझाम नहीं है, ठीक है, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, सब हम खुद कर सकते हैं। इन हाथों दिए ना बाबा ने, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने साईं के लिए। अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाइए, ठीक है। सेवैयाँ ज़रूर बनाना, बाबा को बहुत पसंद है, ठीक है, सेवैयाँ ज़रूर बनाना, बाबा को बहुत टेस्टी लगती हैं, ओके।
तो ये सब बनाइए, बाबा को खिलाइए, बाबा ज़रूर खाएंगे। और जिन जिन के घर बाबा आए ना, मुझे ज़रूर बताना कि अनु बाबा मेरे घर आए थे। किस रूप में आएंगे वो भूल मत जाना, चिड़िया होती है ना उसके रूप में भी आ सकते हैं बाबा, ठीक है। तो आप स्वागत कीजिए बाबा का, जिस तरह से बाकी आपको खुशी मिलती है ना वैसे कीजिए, ठीक है। जैसे आपको खुशी मिलती है उस तरीके से कीजिए। ये होता मैंने जो आपको बताया जैसे मैं करती हूँ, और जैसे आपको खुशी मिलती है आप वैसे कीजिए। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर मुझे आप लाइव में, कल मैं लाइव आऊँगी वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी शिरडी जाकर भी मैं लाइव आऊँगी, वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप मुझसे ज़रूर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, किसी ताम झाम में मत पड़िएगा। साईं आपके दया में बसते हैं, श्रद्धा में बसते हैं, सबूरी में बसते हैं, दिल में बसते हैं। अगर आपके पास श्रद्धा है, सबूरी है, तो बाबा आपके पास है। बाबा आपकी खुद मदद करेंगे अपनी तैयारी करवाने में। आपके दिमाग में खुद आइडियाज़ आते जाएंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी बना के रखिए, बाबा कब आ जाएं कोई नहीं जानता। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो क्वेश्चन रह जाएंगे आप लाइव स्ट्रीम में जब मैं ऑन करूँगी, लाइव आऊँगी, तब आप वहाँ पर आके मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि शिरडी जाते समय 22 और 23 के बीच में मैं आपकी कॉल नहीं ले पाऊँ, क्योंकि मैं ट्रेन में रहूँगी, तो शायद मैं आपकी कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। 23 की शाम को मैं आपके कॉल रिसीव कर लूँगी, ओके। तब तक श्रद्धा से कीजिए तैयारी, धूमधाम से, बहुत बड़ा त्यौहार है हम सबके लिए, ओके। ओम साईं राम, जय साईं राम।